मेरा लाइफ में जो जो जिंदगी में जो जो जितना लड़की आया है और जितना लड़की हम पसंद किया है जितना हम उनको किया है उसका नाम पर उसका लॉन्ग लाइफ के लिए उसका शुभ काम के लिए मैं रिकवरी पर मैं ये पैसा बता देता हूँ। पक्सा लाओस में हूँ, लाओसा सिटी को एक्सप्लोर करेगा और पक्सा सिटी को एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाएगा और अभी एटीएम भी जाएगा, एटीएम जाकर दिखाएगा एटीएम कैसे है लाओस का आप लोगों को दिखाएगा, फिर निकलते हैं आप लोगों को दिखाएगा कैसे है। ये ऑनलाइन से बुक किया था गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस $6 पड़ रहा है रात को। अब देखते हैं, वाह बहुत बढ़िया। नीचे जाकर देखते हैं, इधर सब लोग गाड़ी स्टार्ट करता है, एसी पुल का हमेशा एसी ही ज़्यादा यूज करता है, हम लोग एसी इतना यूज नहीं करते हैं, ये लोग ज़्यादा एसी यूज करते हैं। कंबोडिया में भी ऐसे, वियतनाम में भी ऐसे, ये भी इतना डेवलप नहीं है, पड़ो इस तरह है पक्सा सिटी का। और लाओस आते ही, कंबोडिया से लाओस आते ही आदमी का लुक्स बदल जाता है, जैसे वियतनाम से लाओस कंबोडिया आते हैं बहाल जैसे लुक्स बदल जाता है। शायद निकल के जाकर देखते हैं, सेंटर में आ गया, ऊपर से ऊपर जाकर जाते हैं, कोई एटीएम नहीं है, ऐसे रोशनी चल रहा है, इसमें पूरा रोस्टिंग कर रहा है। पूरा बेचारा है लाओस का लोग, एक जगह अरुणाचली जैसे है गाले भी पहनता है ये लोग, पूरा कम्युनिस्ट साइन है पार्से में। यहाँ पे पेट्रोल निकल रहा है, एक जगह अरुणाचली जैसे लग रहा है लाओस का लोग जो, और सिटी सेंटर कुछ इस तरह है, बाइक को ऐसे बनाकर यूज करते हैं ये लोग। एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन पे जाकर देखते हैं, एटीएम मशीन है। निकल दिया, बाप रे पक्से का बाद हम टेकर जाएगा, टेकर का बाद फिर बेंटिन, बेंटिन ये लोग पूरा गले पहनता है। अगर लोग थोड़ा भी पैदल वॉक नहीं करते हैं, बाइक में जाता है, थोड़ा से डिस्टेंस को भी ये लोग बाइक से यूज, बाइक यूज करता है। ये लड़कियाँ लोग इधर शेयरिंग करके पूरा बैठते हैं, थोड़ा उस तरह। और मेन सिटी सेंटर में रोड भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, बर्मा थाईलैंड लाओस में लोग पूरा गले पहना जाता है, हर जगह एक कम्युनिस्ट ब्रेक आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अंदर थोड़ा घुस के देखते हैं, इधर ट्रैफिक अभी तक सिग्नल ख़त्म नहीं है, सब मूव हो रहा है, इसी पे पैदल वॉक करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं इस तरफ क्रॉस करते हैं,
really difficult. You can see, wow. लाओस में पैदल वॉक करने के लिए थोड़ा सा लगे बहुत मुश्किल है। साउथ ईस्ट एशिया में लाओस का लड़की सबसे सुंदर है, लड़कियाँ लोग सबसे सुंदर है मेरा एक्सपीरियंस है। सेकंड वियतनाम है, वियतनाम में मिक्स है, नॉर्दर्न वियतनाम का हनोई का सुंदर है। फिर बाकी बात सुंदर नहीं है, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया का लड़कियाँ सुंदर नहीं है, आदमी लोग सुंदर नहीं है। रेस्टोरेंट में थोड़ा घुस के देखते हैं। हाय रेस्टोरेंट, ओके ये रेस्टोरेंट पे है अभी, कुछ खा लेते हैं, कुछ इस तरह है। वाह जगह आप लोग को दिखाएगा, पता सी सिटी है, एक शॉपिंग मॉल है और ये शॉपिंग मॉल का नाम है फ्रेंडशिप शॉपिंग मॉल। ये आप लोग अच्छे देखा है फ्रेंडशिप शॉपिंग मॉल, अभी आप लोग को दिखाएगा ये कितना बड़ा है, क्या क्या आइटम अवेलेबल है। कपड़ा क्रॉप क्रॉप है, नथिंग इज हियर, कुछ नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। वाह शू, यहाँ पे आपको शू फुटवेयर वगैरह मिलेगा। फिर मैं आप लोग को जाकर दिखाते हैं, ये कुछ इस तरह है शॉपिंग मॉल है। हाथ से की शॉपिंग मॉल कुछ इस तरह देखता है, और ये इस तरह है कपड़ा, लड़कियाँ लोग के है पूरा कपड़ा, ये लड़का लोग के कपड़ा है। हम वो कुछ कपड़ा नहीं लेना, अपना सामान को भी नहीं उतार पा रहा है इसलिए कपड़ा नहीं लेना है। और ये क्लॉथ ये सब है पूरा, ये लड़कियाँ लोग का कपड़ा है। बारे कुछ नहीं है यहाँ पे, पूरा चाइना प्रोडक्ट है पूरा। बच्चा लोग पूरा ले रहे हैं, लाओस का बच्चा लोग, लाओ किट लोग, ये लोग लाओ इन लाओ किट बोलता है। मेरा पीछे है लाओस की शॉपिंग मॉल, और इतना ही है बस, कोई बराबर नहीं। और इधर से निकल जाते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में घूमने के लिए इतना महंगा नहीं पड़ेगा आपको, सब कुछ सेम सेम पड़ेगा। ये पानी है, ये लाओस के लड़कियाँ दोनों में आगे के जगह, एक जगह अरुणाचल पीछे, अरुणाचल स्टेट पीछे है लाओस का लड़कियाँ लोग जो। और यहाँ पे हमारा खाना बनता है, ऊपर क्या है देखते हैं, ये पेमेंट में चलता है। मैं ऊपर जा काम कर, ऊपर जा कर देखते हैं, फ्रेंडशिप नहीं है। अगर आप टूर नहीं करते हैं फॉरन से, टूरिस्ट स्पॉट में नहीं जाता है फॉरन से, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। $6 में पर नाइट का, ₹400 में होटल मिल जाता है, कम है। और ये बच्चा लोग के लिए जाना है जी में पूरा फ्रेंडशिप मॉल लाओस। वहाँ पे जी में पूरा जी सब कुछ पूरा यहाँ पे चलता है जी में। और ये लाओ का पक्से सिटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जहाँ पे हम हैं,
पक्से सिटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। सामान वामान कपड़ा दुकान सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। वाह मज़ा आ गया। तो कुछ नीचे इस तरह है, नीचे दुकान पड़ोगे जिम है, ऐसा जिम चलता है इसमें, ये जिम एक्सरसाइज सब चल रहा है। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है और मैं अभी देखने आया है और मैं निकल जाएगा। प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, लोग बैठा हुआ है, स्कूटी बाइक पूरा निकल जाते हैं। यहाँ बाहर काफ़ी गर्मी है और मैं अभी ब्रिज देखने जाएगा हुआ। और टोयोटा और हुंडई वियतनाम लाओस कंबोडिया में पूरा डोमिनेट है। और फ्लाइट टिकट को नहीं बुक कर, 15,000 काफ़ी है लाओस में पूरा घूमने के लिए, जो सिटी इलाका में घूमने के लिए। अगर आप एंजॉय नहीं करता है बोलने से, एंजॉय करता है बोलने से आप बाहर जाएगा, नाइट क्लब जाएगा, उसमें बहुत पैसा जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ऐसे में अवॉइड करते हैं। मेकोंग रिवर ब्रिज को आप अभी हम दिखाएगा, मेकोंग रिवर कितना बड़ा नदी है, ब्रह्मपुत्रों से भी ज़्यादा नदी भरा है मेकोंग रिवर। ब्रह्मपुत्रों में थोड़ा थोड़ा होके इधर उधर स्केटर है, लेकिन एक साथ मिलने से चौथा है मेकोंग रिवर। इधर उधर इधर उधर स्केटर नहीं है। जैसे हुआ अच्छा हुआ, जैसे हुआ कैसे दिखता है। बहुत स्टोरी पोयम राइटर ट्रैवलर ये मेकोंग रिवर के बारे बहुत कुछ कहा गया है। लाइफ में जो जो जिंदगी में जो जो जितना लड़की आया है और जितना लड़की हम पसंद किया है, जितना हम पूरी किया है इसका नाम पर, इसका लॉन्ग लाइफ के लिए, इसका शुभ काम के लिए मैं मेकोंग रिवर में ये पैसा को डाल देता हूँ। और ये डाल देता हूँ नीचे डाल देता।